है आज सचमुच से देखा सामने आ गया, बोले मेरे को खा नहीं जाए, सचमुच झपट मार उसको खा लिया। देखो इसको कहते हैं ये कल्प वृक्ष है, हम कथा नहीं भागवत रूप में कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। जो मांगोगे सात दिन तक अगर एक नियम से अगर कथा सुनोगे एक मन से, ऐसे नहीं कथा जब समाप्त होते जा रही तब आओगे। सिनेमा देखने के लिए जाओ ना, कब जाते हो? कब जाते हो? बीच में ना, लास्ट में जाते हो? कब जाते हो कथा सुनने सिनेमा देखने के लिए? हाँ पहले जाएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे। अगर कोई गलती से गलती बेकार फिल्म होगा, अगर टिकट नहीं मिलेगा ना, उसको ब्लॉक में टिकट बनाएंगे और बैठ करके सिनेमा। बताओ क्या चीज, कोई सही चीज है? बेकार चीज को एक रूपक दे करके बना दिया, झूठा, संपूर्ण झूठा चीज है, जिसको देखने पर बल बुद्धि खराब हो कुछ है ही नहीं, लेकिन पैसा दे करके बुद्धि खराब करके मेरे घर में पैसा बर्बाद करके आए। लेकिन जब किसी को कथा की बात बताओ ना, कथा में आए हजार बहाना, अरे ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन सिनेमा के लिए कोई बहाना बनाते? कोई बहाना ही नहीं बनाते। इसलिए अगर ये कथा को अगर सही सही ये कथा को कोई सुने तो एक मन से हैं, जैसे कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले श्री हनुमान जैसे। कैसे सुननी चाहिए? कैसे सुननी चाहिए? हनुमान बोले बताओ, बोले अमुक जगह पर जाना, देखना रोज वहां पर राम कथा होती है, देखना सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा एकदम दुबले पतले महिला कपड़ा पहन करके और आ करके, ऐसे नहीं, देखो कथा सुनने का नियम है आए और बैठ गए नहीं, आ करके पहले जिस स्थान पर कथा सुन रहे हो स्थान साधारण नहीं, बोले सर्पाणी तीर्थानी बसंती तथा, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं जहां ये प्रभु की कथा होती है। पहले आओ स्थान को प्रणाम करो, कथा सुनने वालों को प्रणाम करो, कथा बोलने वालों को प्रणाम करो। देखना वो आ करके ऐसे प्रणाम करके और बैठता भक्त सबको प्रणाम करते हुए जाएंगे। वही से हनुमान उनकी चरण पकड़ लेना, उन्होंने एकदम चरण पकड़ लिया, बोले देखो परीक्षा करेंगे, छोड़ना नहीं चरण, वो हनुमान जी है। चरण पकड़ लिए, बोले अरे छोड़ो छोड़ो, मैं शूद्र हूँ, मेरे शरीर में कुष्ठ व्याधि, मेरे को छोड़ो। बोले नहीं, मेरे को पता आपसे हनुमान जी, आप मेरे ऊपर में कृपा करो, बोले बताओ क्या चाहिए? बोले मेरे को राम लक्ष्मण का दर्शन करा दो। तब बोले देखो चित्र